Hello everyone, Dr. Kajal here. Let's continue our journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, The Story of My Experiments with Truth. सत्याग्रह आश्रम में आए हुए एक अनोखे अनुभव के बाद में गांधी जी इंडेंजर्ड लेबरर्स के बारे में लिखते हैं। इंडेंजर्ड लेबरर्स यानी वह मजदूर जो भारत छोड़ के दूसरे किसी देश में 5 साल या उससे कम समय के लिए मजदूरी करने के लिए जाते थे। नेटल में इन लोगों को रहने के लिए 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 1914 के स्मार्ट गांधी सेटलमेंट के अंतर्गत यह टैक्स बंद हो चुका था, पर भारत से इस तरीके से जनरल स्थलांतर जो हो रहा था उसे खत्म करने की आवश्यकता थी। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक रिजोल्यूशन पेश किया जिससे कि यह सिस्टम खत्म हो जाए। लॉर्ड हार्डिंग्स ने उन्हें कहा कि ठीक समय आने पर यह खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे विचार से ठीक समय आने तक हमने इंतजार करना यानी हर किसी ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशंस देना होगा, इसलिए हमें एक अल्टीमेटम, एक फिक्स डेट उन्हें देना जरूरी है। मैंने अलग अलग नेताओं से बातचीत की, प्रेस को भी इसके बारे में लिखा और जनरल पब्लिक का ओपिनियन देखा कि वे भी चाहते थे कि यह सिस्टम जल्द से जल्द बंद हो। मैंने वॉइसरॉय का इंटरव्यू लिया और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि इस मामले में वह मेरी मदद करेंगे। हमने 31 जुलाई का अल्टीमेटम सरकार को दिया और 31 जुलाई के पहले ही सरकार ने घोषणा की कि यह सिस्टम अब बंद किया जा रहा है, भारत से मजदूरों को नहीं भेजा जाएगा। वास्तव में 1894 से भारतीय यह कोशिश कर रहे थे कि यह सिस्टम इस सिस्टम का एबोलिशन हो जाए। आखिर 31 जुलाई 1917 में हमें इसमें सफलता मिली। आगे मैं पूरे भारत में घूमता रहा। सीआईडी के लोग हमेशा मेरे पीछे रहते थे और ट्रेन से सफर करते समय मेरे फेलो पैसेंजर्स मुझे साधु या फकीर समझते थे। इसके आगे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखते हैं। चंपारण राजा जनक की भूमि थी। वहां पर आम के साथ में ही इंडिगो की खेती भी होती थी। चंपारण वैसे तो हिमालय के पैरों में नेपाल के नजदीक था और यहाँ पर एक कानून था कि जो टेनेंट्स खेती करते हैं तो अगर उनके पास जितनी भी जमीन है उस जमीन के अगर 20 हिस्से किए जाए तो उन 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर उन्हें कंपल्सरीली इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ता था और वह सारी कमाई जमींदार को देनी पड़ती थी। यह एक बहुत बड़ा अन्याय उनके ऊपर हो रहा था। मैंने चंपारण के बारे में कभी सुना भी नहीं था और चंपारण ज्योग्राफिकली कहाँ है यह भी मुझे पता नहीं था। वहां के एक एग्रीकल्चरिस्ट राजकुमार शुक्ला मुझे मिलने आए और उन्होंने इस बारे में मुझसे बातचीत की। मैंने आज तक इंडिगो के पैकेट्स तो देखे थे लेकिन उन्हें बनाने में किसानों को कितनी परेशानी होती है इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब शुक्ला जी ने मुझे उस बात पर अपनी राय देने के लिए कहा तो मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं वास्तव परिस्थिति का ज्ञान नहीं लेता हूँ तब तक मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे चंपारण आने का आग्रह किया। उस समय मैंने उनसे कहा कि पहले इसका रिजोल्यूशन कांग्रेस में पास होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस में रिजोल्यूशन दिया और वह पास हो गया। आखिर वह मुझे चंपारण लेकर ही गए। बिहार में उस समय अनटचेबिलिटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी। वहां के लोगों को पता नहीं था कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ। वह मुझे अछूत समझते थे और इसी वजह से मेरे कुएं से पानी लेने पर भी उन्हें ऐतराज था। राजकुमार शुक्ला जी ने मुझे उनका इंडोर लैटरिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन तुरंत उनका सर्वेंट वहां पे आया और उसने मुझे आउटडोर लैटरिन बताया। मुझे इस बात से ना तो इरिटेशन हुआ, ना तो मुझे गुस्सा आया, ना मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि अब मुझे ऐसे अनुभवों की आदत हो चुकी थी। लेकिन मुझे ध्यान में आया कि शुक्ला जी इस बारे में मुझे गाइड नहीं कर सकते हैं और इस केस की बागडोर मुझे खुद को ही संभालनी होगी।
मैंने चंपारण के लोगों के साथ बातचीत की, मैंने वहां के पूरे केसेस देखे, मैंने अभ्यास किया, मैंने लोगों से कहा कि जब तक यह तीन कठिया सिस्टम हम बिहार के बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक हम चुप नहीं रह सकते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों के सहकार्य की आवश्यकता है। वैसे तो मैं सोचकर आया था कि मैं 2 ही दिन यहाँ रहूंगा, लेकिन अब परिस्थिति देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 साल तक मुझे यहाँ रहना होगा। लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे पूरा पूरा सहकार्य देंगे। प्लांटेशन के इस केस में मुझे प्लांटेशन के जो सेक्रेटरी थे उनकी भूमिका जानना भी महत्वपूर्ण लगा और इसलिए मैं उनसे मिला। पर उन्होंने काफी रूढ़ तरीके से मेरे साथ बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक आउटसाइडर हो और आपको हमारे और हमारे टेनेंट्स के बीच में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तब बड़ी विनम्रता से मैंने उनसे कहा कि मैं खुद को आउटसाइडर नहीं समझता हूँ और अगर टेनेंट्स खुद चाहते हैं कि मैं इस केस में इंक्वायरी करूँ तो यह मेरा अधिकार है। कमिश्नर ने मुझे कहा कि मैंने वह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अगले दिन मैं कोठी के पास के सबसे गरीब टेनेंट्स को मिलने गया और उसके अगले दिन जब हम लोग एक जगह पहुंच रहे थे तब पुलिस सुपरिटेंडेंट का मुझे मैसेज आया कि नोटिस निकली है कि मैंने चंपारण छोड़कर चले जाना चाहिए। मैंने इतना ही कहा कि जब तक मेरी इंक्वायरी पूरी नहीं होती है मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब कोर्ट के मुझे समन्स आए और उन्होंने अगले दिन मुझे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। पूरी रात भर बैठकर मैं अलग अलग इंस्ट्रक्शंस तैयार की, मैंने ब्रिज किशोर को ठीक से यह सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी और अलग अलग लेटर्स भी मैंने ड्राफ्ट किए। अगले दिन जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो उसके पहले ही इस नोटिस और समन्स की खबर लोगों में बिल्कुल जंगली आग की तरह पहुंच गई थी और उसी फैल गई थी और सारे लोग कोर्ट हाउस के बाहर जमा हो गए थे। मैंने वहां के ऑफिशियल्स के साथ बात की, उनका रवैया काफी फ्रेंडली था और उन्हें यह भी ध्यान में आया कि उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और सच देखो तो यह मेरा ट्रायल नहीं था, यह अब गवर्नमेंट का ट्रायल हो चुका था। जो जाल कमिश्नर ने मेरे लिए बिछाया था उसमें गवर्नमेंट खुद ही फंस गई थी। मैंने कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने मेरा ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन और रिजोल्यूशन रखा। मैजिस्ट्रेट ने जजमेंट पोस्टपोन किया। इस दरमियान मैंने वॉइस रॉय को, पटना के मेरे मित्रों को, मदन मोहन मालवीय जी को और अन्य कुछ लोगों को पत्र लिखे और कुछ दिनों में ही मुझे खबर मिली कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह केस वापस ले लिया है और दूसरी बार मुझे कोर्ट में पेश होना ही नहीं पड़ा। इतनी बड़ी खुशखबर इतनी जल्दी आ जाएगी इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। कलेक्टर ने मुझसे कहा कि आप चाहे उस तरीके से इंक्वायरी कर सकते हो, वह एक भले इंसान थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे हर तरह से सहकार्य करने का वचन दिया। इस तरीके से मुझे लगता है कि यह हमारे देश का पहला सिविल डिसोबीडियंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेसन था। इस बात से मुझे प्रसिद्धि भी बहुत मिल गई और लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। सच मानो तो सत्य और अहिंसा का यह एक बहुत प्रभावी प्रयोग था। इस सत्याग्रह के लिए हमने बिहार के बाहर से किसी से भी फाइनेंशियल मदद नहीं ली थी। जो फंड्स हमने जमा किए थे उसमें के केवल 3,000 रुपए हमें खर्च करने पड़े और हमारे फंड्स में अभी भी कुछ पैसे बाकी थे। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक यू।